बन। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास बोल गया और गुरु से पूछा, गुरु जी मुझे बताइए, मुझे जिंदगी में कामयाब होना है, मुझे कामयाबी के लिए क्या चाहिए, कामयाब बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। गुरु ने बोला इसको, तू एक काम कर, सुबह मुझे समुद्र के किनारे मिला, मैं तुझे बता दूं कि कामयाबी के लिए तुझे क्या क्या चाहिए। सुबह के 5 बजे ठंड में ये शिष्य अपने गुरु के पास पहुंच गया। जैसे ही गुरु के पास पहुंचा तो शिष्य ने, गुरु ने क्या किया, शिष्य और गुरु एकदम किनारे पर थे। थोड़ी देर के बाद ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद क्या किया, गुरु शिष्य को लेकर थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े तो क्या हुआ, पानी यहां तक पहुंच गया। ठंडी लग रही है बंदे को, बोले गुरु जी आप यहां मुझे लेकर आए, मुझे बताइए आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कामयाबी के लिए मुझे क्या चाहिए, कामयाब बनने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं कामयाब बनना चाहता हूँ। तो गुरु ने क्या किया, थोड़े और उसको आगे लेते गए, थोड़े और आगे लेकर गए तो पानी यहाँ पे पहुंच गया। सोच के देखिए, समुद्र का ठंडा पानी, ठंडी का मौसम यहाँ तक पहुंच गया, बंदे का क्या हाल होगा बता नहीं सकते। ये सुनो, ये बंदा बोल रहा है ये मुझे कामयाब बनाने के लिए आया है, मुर्दा बनाने के लिए है, अंदर ही अंदर सोच रहा है, लेकिन गुरु है कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ पर पहुंचे, गुरु जी यहाँ तक पानी आ गया, प्लीज मुझे बताइए, गुरु जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। थोड़ी देर और पहुंचे, थोड़ी देर और पहुंचे, यहाँ पर पानी यहाँ तक पहुंच गया। अब ये बंदे ने सोचा आज इनके इरादे नेक नहीं लग रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और फिर जब इन्होंने अगली बार पूछा, गुरु जी मुझे बताइए कामयाबी के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे समुद्र में यहाँ तक लेकर आए, वो भी इतना ठंडी में। और जैसे इन्होंने सवाल पूछा, गुरु ने क्या किया, इनको नीचे ऐसे कर दिया। अब ये बंदा तड़प रहा है, किस चीज के लिए, सांसों के लिए तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, 25 सेकंड हो गया, 30 सेकंड हो गया, 40 सेकंड हो गया। फिर अचानक से इसने पूरा जोर लगाया और ये उठकर ऊपर आ गया और एकदम पागल हो गया। ये क्या कर रहे हैं, गुरु जी आपने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, मैं आपसे कामयाबी का मतलब पूछ रहा हूँ, आप मुझे मारने वाले थे। तो गुरु जी ने बताया, क्या बोला, शिष्य तू मुझे एक बात बता, जब तू समुद्र के नीचे था, पानी के नीचे था, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको तू मिस कर रहा था, क्या वो तेरा घर था, क्या तेरे मम्मी पापा थे, क्या तेरे लोग थे, क्या मिस कर रहा था तू। उसने बोला, सर मैं इन सब चीजों को मिस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक ही चीज को मिस कर रहा था, वो थे मेरी सांसें। यस सुनो, वो थे मेरी सांसें, अगर मुझे वो सांसें मिल जाती तो मैं सब कर लेता। तो गुरु जी ने बोला, जितना तेरे को जरूरत वो पानी के नीचे सांसों की देना, उतनी जरूरत जिस दिन देखो कामयाबी की हो जाएगी ना, तू जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। जिस दिन, जिस दिन की जितनी जरूरत आपको सांसों की है ना, उतनी जरूरत कामयाबी की हो जाए, उतनी जरूरत अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की हो जाए, उतनी जरूरत अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने की हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो लोग हो, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सिर्फ क्या चाहिए, कामयाबी।